नमस्कार, मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका टॉपिक्स का नाम है एंड्रॉयड फ्रेगमेंट। तो एंड्रॉयड फ्रेगमेंट को आप अगर मैं आपको ऐसे समझाना चाहूँगा तो एक तरीके से क्या है, जैसे सिंगल स्क्रीन जो होता है वो एक एक्टिविटी के बराबर होता है। तो इसका मतलब है जैसे ही आप दूसरे स्क्रीन पे चले जाते हो मोबाइल के, तो दूसरा स्क्रीन मतलब एक दूसरे एक्टिविटीज़ को बताता है, जिसमें कि दूसरा स्क्रीन जो होता है नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स दूसरा ही होता है, उसका दूसरे चीज़ों को कैरी करता है। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे एक ही स्क्रीन में दो अलग अलग एक्टिविटी काम करे, तो वो कैसे पॉसिबल है? तो अगर हम एक्टिविटी के फॉर्म में बात करेंगे तो वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक स्क्रीन एक ही एक्टिविटी को शो कर सकता है। तो इसका मतलब है कि हम किस तरह से दो अलग अलग एक्टिविटी को यूज करेंगे, तो उसके लिए फ्रेगमेंट वाला जो कंसेप्ट है वो आया है। इसका मतलब है हम एक सिंगल स्क्रीन को डिफरेंट पार्ट्स में यानी डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करके उसको शो कर सकते हैं और उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि फ्रेगमेंट नथिंग बट एन वन काइंड ऑफ सब एक्टिविटी विच गिव द फैसिलिटी टू प्रोवाइड ए सिंगल स्क्रीन इन ए मल्टीपल पर्पस। तो इसका मतलब है कि सपोज कर लो सिंगल स्क्रीन में मैं व्हाट्सएप भी देख रहा हूँ और उसी स्क्रीन में मैं जो होता है एक पोर्शन पे यानी ऊपर पोर्शन में अगर मैं व्हाट्सएप देख रहा हूँ तो नीचे वाले पोर्शन पे मैं जो होता है ब्राउजिंग कर रहा हूँ या इंटरनेट ब्राउजिंग या सर्फिंग कर रहा हूँ। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ? तो ये हनीकॉम जो वर्जन है उसमें इसको पॉसिबल किया गया। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फ्रेगमेंट कैसे बनाते हैं और उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, उसको प्रोग्रामिंग में करके मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ, प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ कि डिफरेंट फ्रेगमेंट्स जो कंसेप्ट है कि सिंगल एक्टिविटी के अंडर कंट्रोल में दो अलग अलग फ्रेगमेंट्स यानी दो अलग अलग स्क्रीन एक ही स्क्रीन में कैसे देख सकते हैं, यानी दो अलग अलग जो विंडोज है एक ही स्क्रीन में कैसे पॉसिबल है। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो अपना एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और जैसे ही हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगा। तो उस प्रोजेक्ट का नाम आप अपने मन से दे सकते हैं जो भी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं आपको हमेशा हर एक वीडियो में बताता हूँ कि जैसे ही आप नया प्रोजेक्ट बनाते हो तो सबसे पहले आप अगर AVD लॉन्च नहीं किए हो तो इसको आप यहाँ पे आइकॉन्स में क्लिक करके अपने AVD को लॉन्च कर लीजिए, ताकि जो होता है आप प्रोजेक्ट करने के ड्यूरेशन पे वो AVD लॉन्च हो जाएगा, उसके बाद जो होता है आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। मैं ऑलरेडी एक AVD लॉन्च करके रखा हूँ, देख सकते हैं आप, और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरा AVD अवेलेबल रहेगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बता देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक विंडो यानी ये जो आपका मेन एक्टिविटी आपका विंडो है जब आप क्रिएट करते हो तो आपके पास दो ही फाइल क्रिएट होंगे। एक तो होता है एंड्रॉयड का जो XML फाइल है, जो एक्टिविटी फाइल है मैंने आपको बताया ये, और दूसरा जो होता है ये उसका जावा फाइल आपका क्रिएट होता है। तो ये बाय डिफॉल्ट जब क्रिएट होगा तो उसमें कोई कोडिंग नहीं होगा, सिर्फ आपके पास जो होता है एक जो क्लास है वो एक्टिव एक्सटेंड फॉर्म में रहेगा और उसके बाद उसमें आप जो अपनी कोडिंग है उसको इम्प्रूव करेंगे। तो मैं यहाँ पे फ्रेगमेंट को कॉल करने का तरीका बता रहा हूँ। तो मैंने ये बताया कि एक सिंगल स्क्रीन जो एक सिंगल एक्टिविटी कहलाता है उसमें आप दो ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म कर सकते हो, यानी दो विंडोज़ को आप कैसे शो कर सकते हो। मतलब जैसे आप अपने PC में काम करते हो तो दो साइड बाई साइड विंडोज़ आपके पास अवेलेबल होता है, जिसमें आप देख सकते हो कि दो साइड बाई साइड को आप जो है कैस्केड कर सकते हो, या साइड बाय साइड दो विंडोज को आप जो होता है सेट कर सकते हो, अलाइन कर सकते हो। बट ये चीजें जो होता है आपके मोबाइल वर्जन पे पॉसिबल नहीं था, अर्लियर वर्जन पे पॉसिबल नहीं था, बाद में इसको इंक्लूड किया गया है। तो अर्लियर वर्जन में ऐसा था कि अगर आपको एक विंडो से दूसरे विंडो में जाना पड़ता है तो एक विंडो को मिनिमाइज करना पड़ता है और दूसरे विंडो पे आपको स्विच करना पड़ता है। लेकिन आज के समय में अगर आप देखेंगे तो अभी के वर्जन पे जो भी है हनीकॉम के बाद जितने भी वर्जन आए उसमें जो होता है हनीकॉम मतलब API नंबर 11, तो API 11 के बाद जो भी वर्जन्स आए हैं उसमें आपको जो होता है ये जो मल्टीपल विंडोज का कंसेप्ट है वो आ गया है, यानी आप सिंगल स्क्रीन में दो साइड बाय साइड करके देख सकते हो। जैसे मैंने बताया कि आप अपने स्क्रीन को दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, अपर वाले पार्ट में आप व्हाट्सएप ओपन कर लीजिए और लोअर वाले पार्ट में आप जो होता है अपने जो दूसरी एक्टिविटी जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ या कोई गूगल में सर्च कर रहा हूँ तो वो आप कर सकते हो। इसके बारे में मैं एक लाइव वीडियो भी बना के दिखाऊंगा कि आप मोबाइल में किस तरह से दो में बना सकते हो, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है आपके प्रोग्रामिंग के थ्रू वो मैं बताने जा रहा हूँ।
जैसे आपका इनिशियल विंडो रहेगा, तो उस इनिशियल विंडो में आपका जो एक सिंपल सा ब्लैंक कोड रहेगा, तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला आप जो है दो बटन ऐड करेंगे, बटन वन एंड बटन टू, जैसे आप नॉर्मली ऐड करते हो उसके प्रॉपर्टी जैसे आप है उसको सेट कर सकते हो। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट होता है ये फ्रेगमेंट, तो ये जो फ्रेगमेंट है इस फ्रेगमेंट को आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके पास जो होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं लेआउट्स, तो लेआउट्स में सॉरी लेआउट्स नहीं है फ्रेगमेंट्स में, हाँ ये आप जो होता है ये कॉमन में चली आइए। कॉमन में जाने के बाद आपके पास ये जो फ्रेगमेंट्स है इस फ्रेगमेंट्स को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इंक्लूड कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी इसमें इंक्लूड किया है तो आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे करके क्लियर किया है। तो आपको कोड देख सकते हो, आप ऊपर से दिखा रहा हूँ कोड, ये आपका नॉर्मल है जिसमें मैंने रिलेटिव लेआउट को क्रिएट किया हूँ, और रिलेटिव लेआउट के अंडर में मैंने ये दो बटन्स मैंने बनाए हैं, बटन वन एंड बटन टू, यानी दो फ्रेगमेंट के लिए दो बटन्स मैंने बना के रखे हैं। उसके सारे प्रॉपर्टीज आपको जैसे सेट करना है कर लीजिए। हाँ यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे ऑन क्लिक करके आप रखे हो, जैसे मैं नॉर्मली इससे पहले वाले एक वीडियो में आपको बताया था, वो यहाँ काम नहीं करता है। यहाँ पे नॉर्मली ये अगर आप काम करने जाओगे थ्रू XML के थ्रू कोडिंग करके जो आप अपने क्लिक इवेंट्स को कॉल करते हो, वो यहाँ पॉसिबल नहीं है। अदर दो ऑप्शन जो आपके पास अवेलेबल है, मेरे एक वीडियो में वो चीज़ अवेलेबल है कि तीन तरीके से आप क्लिक इवेंट्स कर सकते हो, तो जो बाकी जो दो तरीका है इसको छोड़ के उसको आप अप्लाई कर सकते हो, यानी इम्प्लीमेंट मैथड करके आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैंने क्रिएट करके रखा है। अब यहाँ पे मैंने टेक्स्ट को मेंशन कर दिया है, बटन वन के टेक्स्ट को, बटन टू के, तो बाकी जो डिफॉल्ट है सेटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर देना है वो आप अपने मन से कर सकते। इंपॉर्टेंट है फ्रेगमेंट, तो मैंने यहां पे एक फ्रेगमेंट को जो टैग है उसको मैंने इंप्लीमेंट किया है और उस टैग को मैंने यहां पे दिया है। तो यहां खास बात है ये दो प्रॉपर्टी है जिसको आप देख सकते हैं कि मैं इनिशियली जब मेरा फ्रेगमेंट रन करेगा यानी मेन एक्टिविटी जब रन करेगा तो वो किसको कंटेन करेगा, यानी दो फ्रेगमेंट में से किसको शो करेगा। तो मैंने इसको वन को शो करके रखा हुआ है, तो इसमें जो ये जो लिखा हुआ है ये क्लास फाइल का नाम है, यानी जावा क्लास फाइल बनाएंगे, और दूसरा जो होता है ये जो शो हुआ है वो उसका लेआउट फाइल है। तो इसका मतलब है मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, मैं यहाँ पे जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है इसमें मैं दो फ्रेगमेंट्स बनाने जा रहा हूँ, दोनों फ्रेगमेंट्स के लेआउट अलग बनेंगे, यानी XML फाइल बनाऊंगा और दोनों के मैं जावा फाइल बनाऊंगा। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि आप अगर मेन एक्टिविटी, ये मैं जो मैं बताने जा रहा हूँ वो मेन एक्टिविटी के फाइल है, तो मेन एक्टिविटी में आप क्या चेंजेस करेंगे। तो इस तरह से आपका जो ये मेन लेआउट है, मेन एक्टिविटी फाइल है वो है। अब इससे रिलेटेड मैंने बताया कि तीन XML फाइल बनेंगे, तीन जावा फाइल बनेंगे, जिसमें से एक फाइल जो मेन जावा फाइल है और मेन एक्टिविटी लेआउट फाइल है वो तो बाय डिफॉल्ट होता है जो आप क्रिएट करते हो, बाकी जो दो फाइल्स है उसको आप ऐड कर सकते हो। तो जैसे कि जावा में जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो तीन फाइल्स है, यानी ये एक वन टू फाइल मैं क्रिएट करके यहाँ रखा हूँ, और ये फाइल आपके पास ऑलरेडी क्रिएट होके आता है, और ये दो को आपको क्रिएट करना। तो इसका मतलब है इंडिविजुअल फ्रेगमेंट्स मैं क्रिएट करूँगा और उसको एक एक्टिविटी के अंडर कंट्रोल में मेंशन करूँगा, तो वो मेन एक्टिविटी जो होता है जिस चीज़ को डिमांड करेगा वो चीज़ उसके सामने आ जाता है। यानी ये जो आपके पास स्क्रीन दिख रहा है ये सिंगल विंडो स्क्रीन है, तो मैं जैसे ही मैं इसको रन टाइम में किसी एक बटन को क्लिक करूँगा तो यहाँ पर वो वाला फ्रेगमेंट आ जाएंगे। अब आ जाते हैं कि इंडिविजुअल फ्रेगमेंट्स को मैं कैसे डिज़ाइन करूँगा, यानी कैसे बनाऊँगा। तो सबसे पहले तो मैं लेआउट पे चले जाता हूँ, तो फ्रेगमेंट का लेआउट जो होता है बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, जैसे आपके नॉर्मल कोडिंग होते हैं वही होता है, या रिलेटिव लेआउट के अंडर में आप एक फ्रेगमेंट बना लीजिए। एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, इसमें आप जो होता है बाकी जो आपके मर्जी है, जैसे आपने कैलकुलेटर बनाया है, जैसे आपने लॉगिन बनाया है, उस तरीके का सारे प्रोविजंस आप जो होता है यहाँ मेंशन कर सकते हैं, सारे चीज़ों को दे सकते हो, बट ये एज ए एक्टिविटी काम ना करके एज ए फ्रेगमेंट काम करेगा। तो इसका मतलब एक्टिविटीज में जो भी हम ऑपरेशन करते हैं, जिस तरीके का हम कंपोनेंट्स ऐड करते हैं, जिस तरीके से हम जो क्लिक इवेंट जनरेट करते हैं, सारे इवेंट्स जो होता है आप यहां पे कर सकते हो एज ए फ्रेगमेंट। तो लेआउट बनाने का तरीका जैसे आप करते हो वैसे ही आप लेआउट बनाइए, लेआउट टू भी हम ऐसे मेंशन करेंगे, सिर्फ दोनों लेआउट में फर्क यही है कि दोनों के कलर मैंने डिफरेंट कर दिए हैं और उसके नाम मैंने दे दिए हैं। तो फर्स्ट लेआउट के नाम मैंने दे दिया है, तो वो नाम इसलिए देना जरूरी है क्योंकि वो कॉल होता है, तो इसीलिए आप देख सकते हैं, आपको कोड में दिखा देता हूँ फर्स्ट लेआउट का, ये आपका टेक्स्ट व्यू है जिसमें कॉल हो रहा है, सॉरी फर्स्ट लेआउट का नाम मतलब ये तो इसका इंडिविजुअल जो फाइल नेम है वो इसका नाम यानी लेआउट के नाम से आता है, और दूसरा जो फाइल नेम है फ्रेगमेंट टू करके वो एक लेआउट का नाम है।
अब जाते हैं जावा फाइल हम बनाएंगे, तो जावा फाइल बनाने के लिए थोड़ा आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा जावा फाइल आप बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, ये चीज़ होती है। तो जो चीज़ें आपको ज़रूरत है वो चीज़ें आप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे खास बात होता है कि यहाँ पे हम एक्टिविटी क्लास को एक्सटेंड ना करके फ्रेगमेंट क्लास को एक्सटेंड करती है, क्योंकि अगर किसी क्योंकि एक चीज़ साफ है, एक चीज़ क्लियर कट है कि एक एक्टिविटी दूसरे एक्टिविटी के अंदर कभी भी नहीं हो सकता, यानी एक एक्टिविटी इंडिविजुअली काम करता है, वो किसी दूसरे के अंडर कंट्रोल पे काम नहीं करता है। तो इसका मतलब है कि एक्टिविटी के अंदर अगर आप सब एक्टिविटीज़ बनाना चाहते हो तो ये जो फ्रेगमेंट कंसेप्ट है वही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा था। फ्रेगमेंट इज़ पॉसिबल अंडर द कंट्रोल ऑफ एक्टिविटी, तो इसका मतलब है एक्टिविटी यानी जो सब एक्टिविटी हो उसको एज ए फ्रेगमेंट की तरह हमको बनाना है, तो इसलिए इसमें फ्रेगमेंट क्लास को हमको एक्सटेंड करना पड़ेगा। उसके बाद जब इंपॉर्टेंट है कि ये सब चीज़ें आपको बनाने पड़ेंगी, ये सब चीज़ें आपको क्रिएट करना है, इन्फ्लेटर आपके क्रिएट होगा, जो भी चीज़ें हैं वो इस तरह से क्रिएट होगा, यानी जो कोड है उसको आपको एज इट इज़ इसी तरह से बनाना है। उसके बाद जो होता है इंपॉर्टेंट होता है कि जब मैं फ्रेगमेंट को यूज़ कर रहा हूँ तो वो व्यू के अंडर कंट्रोल पे काम करता है, तो व्यू में कैसे काम करेगा, क्योंकि एक चीज़ खास बात होता है अगर आप फ्रेगमेंट को एक्सटेंड करते हो तो व्यू इज़ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड, क्योंकि व्यू के अंडर कंट्रोल में सारा चीज़ें विजिबल होगा। तो इसीलिए हम व्यू नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और इन्फ्लेटर के थ्रू, इन्फ्लेटर नथिंग बट एन वन काइंड ऑफ कंटेनर, आप एक तरीके से क्या कर रहे हो फ्रेगमेंट को एज ए कंटेनर, एज ए बंडल आप क्रिएट कर रहे हो और उसको जो होता है आप मेन एक्टिविटी में जाके पेस्ट करते हो। तो पेस्ट कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा कैसे पेस्ट हो रहा है। तो उसके लिए यहां पे जो भी चीजें होगी ये फ्रेगमेंट क्लास में वो डिफाइन होगा, और यही फ्रेगमेंट क्लास जो होता है मेन एक्टिविटी फाइल से, यानी जो मेन एक्टिविटी का जो जावा फाइल है वहाँ पे कॉल होगा, और इस तरह से मैंने यहाँ बनाया है। उसके बाद एक खास बात होता है वो मैं बता देता हूँ। नॉर्मली हम जो होता है यूज़ करते हैं फाइंड व्यू वाई आई डी एक्टिविटी क्लास, जब हम एक्टिविटी को एक्सटेंड करते हैं तो उस केस में हम जो होता है सीधा फाइंड व्यू बाई आई डी करते हैं, बट अगर हम यहाँ देखने जाते हैं तो यहाँ पे व्यू यूज़ किया गया है, तो ये खास बात होता है फ्रेगमेंट के लिए। तो फ्रेगमेंट में बिना व्यू का अगर आप करने जाओगे तो इसमें एरर आता है, देख सकते हैं यहाँ एरर आ रहा है, तो ये एरर आ सकता है और आ सकता नहीं आएगा ही, क्योंकि ये जो होता है आप यहाँ पे फ्रेगमेंट का यूज़ कर रहे हो, क्योंकि एक्सटेंड जो किया फ्रेगमेंट, अगर मैं यहाँ एक्टिविटी एक्सटेंड करता तो फिर ये प्रॉब्लम्स नहीं होता, क्योंकि बाई डिफॉल्ट उसके अंदर जो होता है फाइंड व्यू बाई आई डी होता है, तो क्योंकि वो व्यू उसके अंदर में होता है तो बाय डिफॉल्ट उसमें व्यू होता है, तो इसलिए वो फाइंड व्यू बाय आईडी को ले लेता है, बट फ्रेगमेंट में व्यू नहीं होता है, तो इसलिए इसको मेंशन करना पड़ता है, तो जिससे ये कॉल हो रहा है। और उसके बाद एज इट इज सब उसमें है, उसी तरह से फ्रेगमेंट 2 के लिए भी मैं उस तरह से प्रोग्रामिंग करूंगा। ये जो क्लिक इवेंट्स है मैं इसको हटा देता हूं, ये मेरे किसी काम का नहीं है, मैं इसको बना के रखा था, क्योंकि यहाँ पे ये क्लिक इवेंट काम नहीं करेगा, इसमें जो क्लिक इवेंट है इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो आपको अपलोड करूँगा, प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा कि उसमें कौन सा क्लिक इवेंट आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपके पास सेम है जैसे मैंने किया है, फ्रेगमेंट है, खास बात है कि यहाँ पे व्यू के अंडर कंट्रोल में फाइंड व्यू बाय आईडी फंक्शन कॉल होगा। तो ये हो गया। अब आ जाते हैं मेन एक्टिविटी फाइल, जिसके थ्रू मेन लॉजिक हमको देना पड़ता है। तो मेन लॉजिक इज ओनली गिवन इन दिस पर्टिकुलर फाइल, तो बाकी जो फ्रेगमेंट्स फाइल है और फ्रेगमेंट लेआउट की फाइल है वो बहुत ईजी है, उसको आप एज इट इज फ्री माइंड से आप क्रिएट कर सकते हो, बट यहाँ पे आपका मेन लॉजिक होता है वो बहुत सिंपल होता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, क्लिक इवेंट्स जो मैंने बनाया है, क्योंकि एक्टिविटी में आप क्लिक इवेंट्स तीनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, इससे पहले मैं जो वीडियो बताया था कि किस तरह से आप क्लिक इवेंट्स को यूज़ कर सकते हो, तो आप एक्टिविटी के थ्रू जो होता है वो क्लिक इवेंट्स आप बना सकते हो। तो मैं उस क्लिक इवेंट्स को बना रहा हूँ, तो उस क्लिक इवेंट्स को बनाने का तरीका आप देखिए। तो यहाँ जो क्लिक इवेंट्स है वो एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आया है, ये जो कोड जो आपका जो मेन कोड होता है, देखिए यहाँ पे आपका बटन 1 और बटन 2, तो ये हो गया क्लिक इवेंट्स, सॉरी यहाँ पे नहीं है, सीधा डायरेक्ट मैंने इसमें अप्लाई किया है क्लिक इवेंट्स। तो इसमें क्लिक इवेंट्स जो मैंने अप्लाई किया, तो देखिए यहाँ पे क्लिक इवेंट्स अप्लाई किया, यहाँ पे आपका दिया हुआ है, और तो ये क्लिक इवेंट्स जैसे कि जैसे ही मैं इसमें कॉल करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पे खास बात क्या है देख लीजिए कि ऑन क्लिक इवेंट्स में मैंने यहाँ पे सीधा सीधा बटन 1 और बटन 2 को फाइंड आउट किया। सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि देखिए कि फ्रेगमेंट 1 क्लास को यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, और ये जो फ्रेगमेंट 1 क्लास है ये सीधा सीधा जो होता है यहाँ पे कॉल हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे कॉल हो रहा है, ये जो होता है ये कॉल हो रहा है, तो जिस फ्रेगमेंट को कॉल करेगा
वो फ्रेगमेंट होगा, और यहाँ पे ये जो लाइन ऑफ कोड है ये बेसिक लाइन ऑफ कोड है जिसको आपको मेंशन करना पड़ेगा, और इससे जैसे ही आप मेंशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो फ्रेगमेंट जो होता है एसोसिएट हो जाएगा और वो फ्रेगमेंट से वो अपलोड हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने जो फ्रेगमेंट बनाया था, फ्रेगमेंट का जो टैग यूज़ किया था, वो टैग जो होता है मैंने बनाया था तो उसका नाम था फ्रेगमेंट नाम से था। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ उस टैग का नाम क्या है। जैसे ये फ्रेगमेंट है तो इस टाइप का नाम देखिए फ्रेगमेंट है, तो इसी को ही मैंने कॉल किया है जावा फाइल में। तो ये जो कॉल हो रहा है ये मेन टैग में, और उसमें कौन सा फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट वन एसोसिएट होगा या फ्रेगमेंट टू एसोसिएट होगा बेस्ड ऑन दिस क्लिक इवेंट वो काम कर रहा है। तो सीधी सी बात, यहाँ जैसे बटन क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे रन करेगा। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि किस तरह से होता है। तो इसको मैं रन करता हूँ सीधा से बात, तो आपको समझ में आएगा कैसे होता है। जैसे मैं इसको रन कर रहा हूँ तो तब तक, जब तक ये रन हो रहा है तब तक मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने दो फ्रेगमेंट यूज़ किया है जो सिंगल एक्टिविटी के अंडर कंट्रोल में काम कर रहा है। यानी एक ही स्क्रीन में मैं वन बाय वन जो फ्रेगमेंट को स्विच कर रहा हूँ। जैसे ही मैं बटन, किसी एक बटन को प्रेस करता हूँ तो वो वाला फ्रेगमेंट जो होता है सेम स्क्रीन पर आ जाता है। मैं किसी दूसरे स्क्रीन में ट्रांसफर होने के बजाय सेम स्क्रीन में दोनों जो वन बाय वन फ्रेगमेंट है उसको एज एन एक्टिविटी शो कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है एक एक्टिविटी के अंदर आप सब एक्टिविटी कॉल कर सकते हो बाय यूजिंग फ्रेगमेंट ओनली। तो एक चीज और है, इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बता देता हूं कि एक फ्रेगमेंट के, एक एक्टिविटीज के अंदर दूसरा एक्टिविटी कभी भी काम नहीं करता। सारे एक्टिविटी इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, बट अगर आप डिपेंडेंटली किसी एक्टिविटी को बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको फ्रेगमेंट बनाना जरूरी है। तो फ्रेगमेंट इज द ओनली ऑप्शन जिसमें आप जो है एक तरीके से जो लेआउट्स है वो एक एक्टिविटी के अंदर आप दिखा सकते हो। यहाँ तो मैं स्विच करके दिखा रहा हूँ, वैसे ही आप जो होता है दो लेआउट बना सकते हो और दोनों लेआउट सेम एक्टिविटी के अंदर में होगा, आप दो अलग अलग लेआउट को शो कर सकते हो। तो जनरली आप जब भी शो करते हो तो एक एट अ टाइम एक ही लेआउट शो होता है, लेकिन इस तरह से अगर फ्रेगमेंट का यूज़ करते हो तो आप दो लेआउट साइड बाई साइड भी शो कर सकते हो। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो देखिए ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये आपका फ्रेगमेंट जैसे मैंने रन किया तो ये फ्रेगमेंट यानी ये मेन एक्टिविटी है। ये जो आपको विंडो दिख रहा है ये मेन एक्टिविटी विंडो है। तो इसमें फर्स्ट फ्रेगमेंट बाय डिफॉल्ट मैंने सेट कर दिया तो वो एक्टिवेट हो गया। अब मैं इसको अगर क्लिक करता हूँ तो सेकेंड जो एक्टिविटी है, हाँ यहाँ पे एक छोटा सा कोड में चेंज करना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ क्या चेंज करना पड़ेगा। आप यहाँ पे जैसे मैंने कॉल किया है ऑन क्लिक को, तो ऑन क्लिक जो होता है मेरा मेन एक्टिविटी में मेंशन नहीं है, तो मैं यहाँ पे जो दो बटन है उस बटन में मैं ऑन क्लिक एक इवेंट है उसको मैं डाल देता हूँ, प्रॉपर्टी है। तो ऑन क्लिक में मैं ऑन क्लिक ये वाला मेंशन कर देता हूँ, सेम एज मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके दूसरे में भी मेंशन कर देता हूँ ताकि ये जो है कॉल होगा तो उसमें आपका फेस हो जाएगा। तो ये हो गया। अब मैं इसको फिर से रन करता हूँ, सो देखिए मैं फ्रेगमेंट टू में क्लिक करता हूँ तो ये आपको दिखा रहा है फ्रेगमेंट वन एंड फ्रेगमेंट टू। तो मैंने जो अभी लास्ट में अभी जो चेंज किया है वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। मैंने यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट जो मैंने तीन मेथड बताए थे उसमें से एक मेथड आपको बताया था कि अगर आप लेआउट फाइल में ऑन क्लिक जो प्रॉपर्टी है उसको अगर आप सेट कर देते और वहाँ जो फंक्शन का नाम प्रोवाइड करेंगे उसके थ्रू अगर आप यहाँ इंप्लीमेंट करेंगे तो वो होगा। तो मैंने यहाँ पे दोनों बटन में सेम नाम को फॉलो कर दिया, तो इसलिए सेम नाम के इसके रिस्पेक्ट में वो एज ए व्यू उसमें स्टोर होता है। तो जब भी जिस बटन को क्लिक करूंगा तो उस बटन का जो आईडी है वो इस व्यू में आ जाता है, उसके बाद उसको मैच करके मैं ये कर रहा हूं। चाहे तो आप दोनों में अलग अलग नाम करके आप यहां दो अलग अलग फंक्शन करके भी आप बना सकते हो, ये पॉसिबल है। तो इस चीज को मैंने अभी लास्ट में आपको शो किया, अगर ये नहीं करते तो आप नहीं करो। तो दूसरा तरीका है कि आप यहां इंप्लीमेंट करके कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट इंप्लीमेंट वाले अप्रोच को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आप मेरा जो इवेंट्स वाले जो वीडियोस है उसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा।
आएगा। तो चलिए इस तरह से दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा, और अगर पॉसिबल है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा, और जो भी क्वेरीज है आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो वंस अगेन दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।